स्टार प्लस के नंबर वन शो अनुपमा में आप सभी देख ही रहे हैं कि अनुज हर चीज का जिम्मेदार अनुपमा को ही ठहरा रहा है। जहां पहली शादी में भी अनुपमा को सुख नहीं मिला और अब दूसरी शादी होने के बाद अनुज को वो गलत लग रही है, क्योंकि अनुज को लगता है कि अनुपमा की लापरवाही की वजह से ही छोटी अनु उससे दूर हुई है। हालांकि अनुज के इस इलाज से अनुपमा पहले से ही टूट चुकी है, पर अब वो एक बार फिर रोती बिलखती हुई नजर आने वाली हैं, क्योंकि अनुज उससे रिश्ता तोड़ने की बात कह देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल अनुज ने पहले ही अनुपमा से कह दिया है कि उसे अनुपमा के साथ घुटन होती है, पर अब अनुज उसे छोड़ने और तलाक लेने की बात कह देगा, जिससे अनुपमा की जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी और वो फांसी लगाकर खुद की जान लेने की कोशिश करेगी। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं होगा, क्योंकि अनुपमा को पैनिक अटैक आ जाएगा जिसमें उसके होने वाले बच्चे की जान चली जाएगी और उसके साथ भी काफी खतरनाक दुर्घटना घटेगी, जिसमें अनुज को अपनी गलती का एहसास होगा और पता चलेगा कि उसने अनुपमा को कितना दर्द दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही होगी, तो क्या ऐसे में अनुज अनुपमा की ढाल बनकर उसकी रक्षा करेगा या फिर अभी भी अनुपमा को ही गलत मानेगा? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वेल दोस्तों, क्या अनुपमा के साथ सीरियल में हादसा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।